एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर में इंटर कॉलेज महिला हॉकी प्रतियोगिता मंगलवार को शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने किया, जबकि विशेष रूप से एसडीएम सुंदरनगर देवश्वेता वानिक उपस्थित रहीं। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन जम्बाल भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि सभी कॉलेजों की टीमों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए, बच्चों को खेलने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वे आगे बढ़ पाएं और एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरें। उन्होंने सभी टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन जम्बाल ने भी सभी टीमों को खेल भावना से खेलने को कहा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी को जानकारी देते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बंजार से आए हुए ऑब्जर्वर डॉक्टर सुनील सेन ने बताया, इंटर कॉलेज हो रहा है, इसमें एज ए ऑब्जर्वर यूनिवर्सिटी ने मुझे रिपोर्ट किया है। स्थानीय कॉलेज में बहुत अच्छे से इंटर कॉलेज हॉकी का जो ये कंपटीशन है आयोजन किया जा रहा है, इसका से यहाँ के स्थानीय प्रिंसिपल और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर लोकेश शर्मा जी को जाता है। इस प्रतियोगिता में टोटल 18 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विमेन सेक्शन में आज जो फाइनल है एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर और गवर्नमेंट कॉलेज मंडी के बीच में खेला जाएगा और मुझे आशा है कि वो दोनों ही टीमें अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगी और अच्छा मैच पूरी जनता को देखने के लिए मिलेगा। चलो इस फाइनल मैच के लिए जो और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आज के जो चीफ गेस्ट हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मंडी यहाँ शिरकत करेंगे और वे विजेता खिलाड़ियों को। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए जसवीर ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सुंदरनगर।